कैसे आपने देखना होता है, इसमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती है तोते में। एक मसला बहुत ज्यादा आता है इनमें कि खोपड़ी की बीमारी होती है, मतलब जोश भी दबी भी होती है, सही है, पंजे भी दबे हुए होते हैं, नहीं काट नहीं काट, और पाँव भी टेढ़े होते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाऊं करीब से मेरा कैमरा, ये देखें इसके पाँव बिल्कुल सीधे हैं, कहीं ऐसे टेढ़े नहीं हो रहे। ये वो वाला पाँव भी इस तरफ टेढ़ा नहीं हो रहा, इसकी चोंच देखें बिल्कुल दबी भी नहीं है, ठीक है ना। एक सही तोते में और एक कुबड़े तोते में क्या फर्क होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सही तोता है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दूसरा तोता, कि जो आप ना लिया करें, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सही है, ब्रीडिंग भी वो इतनी खास नहीं करते, अगर करते हैं तो उनके बच्चे कोई हेल्दी एक्टिव नहीं निकलते, और मतलब चोंच उनकी दबी हुई होती है, उनकी फ्लाई सही नहीं होती। मैं दूसरा दाना आपको दिखाता हूँ कि खराब परिंदा कैसे होता है, ठीक है। बाकी नस्लें वगैरह की तो आसानी से पहचान हो जाती है, मतलब नाक गंदी है, सही है, और मोल्डिंग का सीज़न अभी चल रहा है, टेंशन नहीं लें। ये देख रहे होंगे आप नए पर निकाल रहे होते हैं, पर झाड़ रहे तोते, बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं, इस पर मैंने वीडियो भी बना दी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं करो नहीं करो, ठीक है। तो चलें दूसरा तोता दिखाते हैं जो अनहेल्दी है, जो आपने नहीं लेना चाहिए। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप कि ये मेरे हाथ में एक और राका चीक है, सही है, ये तकरीबन 6 महीने का है, जिसकी मैंने पहले आपको दिखाई है जो एक्टिव है, हेल्दी है, और ये थोड़ा सा अनहेल्दी है, सही है, और कुछ इसको पैदाइशी ही मसले हैं, यानी कि ये आप इसकी चोंच देखें, इसका मुंह देखें, सही है। अक्सर हम इसको बोलते हैं बंगाली साइड में तोता, यानी कि कुबड़े में, इसकी आँखें भी आप थोड़ी सी देखेंगे कि बाहर को निकली हुई है, ठीक है। इसकी चोंच देखें कितनी दबी हुई है, इस जगह से नाक के निचला हिस्सा देखें कितना दबा हुआ है, और इसको मैं बिठा के दिखाऊंगा, इसके पाँव भी टेढ़े हैं, इसके पर भी जो है इसकी फ्लाई भी सही नहीं है, ठीक है। इसके ये पाँव देखें ये टेढ़े हो रहे हैं, सही है, ये वाला आप पैर देखेंगे ये टेढ़ा हो रहा है, सही है, और ये साइज में भी देखें दबा दबा सा साइज है। एक तोता ये बैठा है आपके सामने, सही तोता, दूसरा ये बैठा है। अच्छा, ये डिजीज बचपन से ही होती हैं, लेकिन लोग ये कह देते हैं अगर ये दूसरे तोते के साथ पड़ा हुआ होता है, मिसाल के तौर पर ये 3 महीने का होगा, और अगर ये 2 महीने के बच्चे के साथ पड़ा हुआ है तो इसको छोटा बताएंगे और उसको बड़ा बताएंगे, सही है ना। इनके बचपन से ही सिम्टम नज़र आ रहे होते हैं, चोंच दबी हुई, आंखें थोड़ी सी बाहर निकली हुई, और तोते को इस तरह से बैठना, सही है ना, जिस जिस तरह से कह लें इंसानों में होती है कुबड़े का मसला, इसी तरह से इसके पाँव पंजे भी जो है ना, एक पंजा दूसरे पंजे की सिम्ट मुड़ रहा होता है ऐसे। मैंने और वीडियोज में भी दिखाया, मैं परिंदा नहीं पालूंगा, मैं भी दिखाया, वो भी आप जाके देखें। दूसरा ये कि इसको हल्का फुल्का नज़ला भी है, नज़ले की ये सिम्टम होती है नाक के पास, देखें पानी है, सही है। अब वो मार्केट में ये बोल रहे होते हैं नहीं नहीं वो पानी मारा है गर्मी की वजह से, वो कर देते हैं। तो कोशिश करा करें कि साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन चीज़ लिया करें, सस्ते के चक्कर में नहीं जाया करें, हाँ बार्गेनिंग करें लेकिन हेल्दी पैरेट पे करें, ना कि बस आपको ये हो कि यार कम पैसों में चीज़ मिल जाए। अब अगर एक 8-10 हज़ार रुपये में आपको तोता मिल जाता है पहाड़ी, सही है, अगर वो हेल्दी नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, तो क्या फ़ायदा, कीमत तो है, वैल्यू तो है 8-10 हज़ार रुपये की। तो कोशिश करा करें कि अच्छा बर्ड्स लिया करें, ऐसे दाने ना लिया करें, सही है ना। ये हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने पाला था तो उनके पास ऐसा हो गया था, तो मैंने चले यार मैंने वीडियो बनानी है, तो ये पैरेट मुझे दिखाएं, लोगों को अवेयरनेस देनी है। तो ये देखें इस दाने को आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, सही है। तो इस तरह के दाने जो है वो ना लिया करें, ये दाने ब्रीडिंग में भी अच्छे नहीं बनते, टॉकिंग में भी अच्छे नहीं बनते, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।